Good morning, children. How are you all? So, children, I hope you all are fine and safe at your home. So, children, today we are going to learn about a new number. That is number 19. 1, 9, 19. 1, 9, 19. So, children, 1 and 9 makes the number 19. Now you say with me, 1, 9, 19. Now children, let's understand the concept of 10's place and 1's place of number 19. Now children, today we have some ice cream sticks. So, देखो आज मैम के पास क्या है? आज मैम के पास कुछ ice cream sticks हैं. Yes. Now let's group them as 10. So let's start counting the number of ice cream sticks. So अभी हम क्या करेंगे? इनको count करेंगे. और आप भी मैम के साथ साथ इनको count करोगे. Okay? So let's start counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So children, this is our first group. This means 1, 10. This means 1, 10. So अभी देखो ये 10 आइसक्रीम स्टिक्स हैं. So हम इनका एक बंडल बना देंगे. ऐसे इसका एक बंडल बना देंगे. So अभी आपको समझ में आया कि 10 आइसक्रीम स्टिक्स का ये 1 बंडल है. So we write 1 under the T. It means we have 1, 10. 1, 10. So now let's counting the remaining ice cream sticks. अभी हम हमारे पास जो बाकी बची हैं हम इनको count करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. और अभी ये 9 है. लूज हमारे पास कितनी बची हैं ये आइसक्रीम स्टिक्स एक बंडल बनाने के बाद? 9. Yes. So it means 9 ones. So we have 1, 10, and 9 ones. So number here is 1, 9, 19. Children, today is Wednesday and the date is 11-8-2021. So children, 11 is the date, 8 is the month and 2021 is the year. So date is 11-8-2021. And today we are doing worksheet number 12 of maths. So आज हम हमारी मैथ्स की नोटबुक में वर्कशीट नंबर 12 करने जा रहे हैं. दैट इज रेनबो राइटिंग इन नंबर 19. सो आपको पता है ना हम रेनबो राइटिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं क्रेयॉन्स. हम ऐसे क्रेयॉन्स यूज़ करते हैं जिसके साथ हम नंबर में रेनबो राइटिंग करेंगे. सो हम अपने फेवरेट कलर यूज़ करेंगे. ओके. सो सबसे पहले मैम यूज़ कर रही है ऑरेंज कलर. Oranges are color of the month. So, सबसे पहले हम किस में करेंगे? 1 में. 1 up to down हमने 1 लिखा and 9. 9 कैसे लिखेंगे? K, then standing line. Okay? 9. 1, 9, 19. अभी मैं यूज करूंगी पर्पल कलर. ओके. सो 1, 9 19. तो ऐसे हम डिफरेंट कलर यूज करेंगे और नंबर 19 लिखेंगे. अभी मैं ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ. इसको बोलते हैं रेनबो राइटिंग. जब हम अलग अलग कलर यूज करके लिखते हैं इसको बोलते हैं हम रेनबो राइटिंग.
1919. तो चिल्ड्रन ऐसे ही आप कलर्स को यूज़ करोगे, ओके, और 1919 लिखोगे. ओके चिल्ड्रन, नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट नीटली एंड देन सेंड इट टू मैम. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.